हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। जैसा कि अब जो है सितंबर तो लास्ट हो ही चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि आप लगा के चलो विद इन थ्री मंथ्स जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका होगा या फिर नियर बाय होगा, यानी कि आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं पढ़ने के लिए, जिसके लिए आप अपने एस्टेट की जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और अभी इफ़िशियंट टाइम है, अगर आप अब भी स्टार्ट करते हैं एस्टेट के लिए पढ़ना तो भी आप इजीली सारे सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, जहाँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को जो है प्रॉपर पता नहीं चल पाता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछते हैं मैम इस सब्जेक्ट को करें या नहीं करें या कौन सा सब्जेक्ट करें। आज हम यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ना भी करें तो भी चलेगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास रहने वाली है, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सारी आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं और साथ में आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है जो हमारा चैनल नेम है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप इसको ज्वाइन कर लें। सबसे पहले अपडेशन यहीं पे मिलती है और साथ में आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो भी आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है सिलेबस फॉर एस्टेट PGT कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस से पहले पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस तो हमें पता होना ही होना चाहिए, साथ में हमें हमारे पेपर का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, सब्जेक्टिव पोर्शन कौन सा होगा। पेपर पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके रहेंगे कॉमन पोर्शन से, 90 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं कॉमन पोर्शन से, और वहीं पे 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके सब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस से, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी एस्टेट PGT या TGT के लिए अगर प्रिपेयर करता है तो 60 क्वेश्चन उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रहेंगे। अब बात आती है कॉमन पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे और सब्जेक्ट कौन सा होगा जो भी आपका मास्टर्स में आपने ऑप्ट किया हुआ है। लाइक हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो हमारे सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर साइंस के, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो ये जो 90 क्वेश्चंस हैं, ये 90 क्वेश्चंस के अंदर जो कौन कौन सा पार्ट आने वाला है पहले उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी साइकोलॉजी, जिससे टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। देन उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इन तीनों पार्ट से आएंगे हमारे पास 10-10 क्वेश्चन। इन तीनों पार्ट से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वन इज हिंदी एंड नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, ये दोनों मिलके भी क्या हो गए, 30 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स। एस्टेट के अंदर 1 क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क, यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स, और जो टाइम है वो 2.5 आवर का टाइम मिलता है हमें, टू एंड हाफ आवर्स का टाइमिंग रहता है हमारे एग्ज़ाम को हमें अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन तो आपको पता चल ही गया, साइकोलॉजी अच्छे लेवल की आती है,
ये नहीं है कि आप कहो कि आपने बेसिक बेसिक साइकोलॉजी की चाइल्ड पेडागोजी पढ़ ली और आपका एग्ज़ाम जो है 30 में से आप 25 प्लस ले लोगे, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और एक अच्छे लेवल की साइकोलॉजी को आपको प्रिपेयर करना होगा अपने एग्ज़ाम के लिए। हाँ, वहीं पर मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के बहुत ही कॉमन आते हैं जो कि स्टूडेंट्स रिवाइज भी करते रहते, तो इसमें से आप जो है 30 क्वेश्चन में से 25 या 27, 28 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वहीं पे हिंदी और इंग्लिश ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, किसी स्टूडेंट का हिंदी पोर्शन स्ट्रोंग होता है, किसी का इंग्लिश पोर्शन स्ट्रोंग होता है, ठीक है, तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब जो सब्जेक्टिव है कंप्यूटर साइंस, उसके हमारे 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे, ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन के, इसके लिए जो है आप कौन कौन से सब्जेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको इन 60 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे ताकि आप जो है 60 क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ और 60 में से आपका जो टारगेट है वो रहे 50 प्लस। क्वेश्चन तो सारे ही करोगे क्योंकि देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है एस्टेट में, तो अटेम्प्ट तो आपको सारे 60 क्वेश्चन करने हैं, उनमें से 50 प्लस आपके जो है क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें से आपके ये जो 60 क्वेश्चन में से आप 50 प्लस स्कोर कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ आप कौन कौन से सब्जेक्ट करें जिससे आपके मार्क्स जो हैं अच्छे से गेन हो पाए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लगा के चलो 5 to 6 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप उनको बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर से भी आपके 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन डेटा स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट वन दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 to 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग 4 to 6 क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्लस SQL 5 to 6 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन प्लस 7 क्वेश्चंस तक भी आ सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। उसके बाद नेक्स्ट वन HTML से भी आपको 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास C++, इन दोनों से मिला के भी आप लगा के चलो 5 to 7 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जो है आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन बहुत इजी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, मॉडल से, और कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाती है, कोकोमो मॉडल, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या रहने वाला है, हिस्ट्री क्या होगी, जनरेशन क्या होगी। देन नेक्स्ट वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरनेट की टर्म्स पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से। और नेक्स्ट रहता है हमारे पास यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरनेट और
कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल से भी आप लगा के चलो 5 to 6 क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस रहेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से फर्दर टॉपिक्स आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर में फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटाबेस, एसक्यूएल, ये सब। अगर आप इन सभी टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हैं कि मैं फर्दर हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो फिर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मैम आप इसके ऊपर भी हमें कंटेंट प्रोवाइड कराइए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। उसके साथ बात आती है प्रिपरेशन की, कि आप जो है प्रिपेयर कहाँ से करें। अब ये जो सभी सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनका जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम में बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा। सभी सब्जेक्ट को ये भी नहीं कह सकते हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सभी सब्जेक्ट का हम ये भी नहीं कह सकते कि हर टॉपिक से एडवांस क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो यहाँ से बेसिक टू एडवांस रहेंगे, साथ में यहाँ पे एमएस ऑफिस से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिक टू एडवांस सिलेबस रहेगा, इसको आप वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। और पेड कोर्स आपको मिलता है GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे, यानी कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके और आप कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स के अंदर जो है हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। तो ये 2 सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं कवर हो चुके हैं, और अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी आप सोचो कि आपको प्रिपेयर करना है या नहीं। एग्ज़ाम एकदम आता है, पहले बताकर नहीं आता। अगर आप लोग एग्ज़ाम की डेट में बैठे रहोगे तो आप बैठे ही रह जाओगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ, जिस टाइम आपके मन में ये आए कि मुझे कुछ करना है, आप तभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपने अगले टाइम के लिए छोड़ दिया तो फिर अब वो अगला टाइम जो है कभी नहीं आता, वो अगला टाइम हमेशा अभी बन जाता है और आप सोचते रहते हैं कल करूँगा, परसों करूँगा, जब डेट आएगी तब करूँगा, जब एडमिट कार्ड आएंगे तब करूँगा, और लास्ट में आपका एग्ज़ाम आ चुका होता है और आप तब तक भी क्वेश्चन सिलेबस को जो है कवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन करें। और फर्दर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं, 9467744666, कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, और एप्लीकेशन पे आपको दोनों ही पोर्शन मिलेंगे, कॉमन पोर्शन भी मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कॉमन पोर्शन साथ में चाहिए तो वो भी मिलेगा, और सिर्फ अगर सब्जेक्टिव पोर्शन चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। और अभी के लिए जो है 10% डिस्काउंट है, 10% आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट का बेनिफिट लेके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 वीक तक ये डिस्काउंट रहने वाला है, सो 1 वीक तक ये डिस्काउंट रहने वाला है। और अगर प्रिपरेशन करनी ही है, अभी तक तो 2 सब्जेक्ट हुए हैं, अगर 1 महीने बाद कोर्स ज्वाइन करोगे तो तब तक 5 से 6 सब्जेक्ट जो हैं हमारे कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो और कोर्स के अंदर जो है मोस्टली हमारी सारी की सारी लाइव क्लास रहती हैं, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और मैं अलग से भी डाउट क्लास लेती हूँ ताकि जो स्टूडेंट अगर कुछ रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं बाद में, लाइक कोई स्टूडेंट लाइव क्लास के टाइम पे नहीं आता तो फिर वो डाउट क्लास में ज़रूर आए और अपनी क्वेरीज रखे। और सभी स्टूडेंट्स को जो है 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट की क्वेरी ली जाती है, हर स्टूडेंट के डाउट्स को वहाँ पे क्लियर किया जाता है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे और कुछ MCQs प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि मैं अपने एंड से प्रिपेयर करती हूँ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs होते हैं। सो यही एक छोटी सी आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करना था, ताकि आप लोगों को जो है पता चल पाए कि किस किस सब्जेक्ट से जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सो आई होप ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। फर्दर किसी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।